एक्सरसाइज शुरू करो, वजन बढ़ाओ। नमस्कार, जम्मू कश्मीर टुडे में आपका स्वागत है। इस समय हम अखनूर से करीब 30 किलोमीटर दूर मैरा मांदरे के कठाड़ एरिया में है। ये एरिया करीब जम्मू से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। एकल अभियान के आरोग्य फाउंडेशन द्वारा अखनूर के इस दूरदराज क्षेत्र में चिकित्सा शिविर लगाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के डॉक्टर हरीश आनंद, आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एकल अभियान बहुत बढ़िया काम कर रहा है, करीब 70 किलोमीटर चलकर आप इस दूरदराज के गाँव में आए हैं। आप आज के चिकित्सा शिविर के बारे में जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के कठिन से कठिन क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में हमने 60 हेल्थ कैंप लगाने का निर्णय किया था जी, जिसमें से आज हम 58 कैंप्स लगा चुके हैं जी। और बहुत कठिन क्षेत्र, जैसा भी आपको पता है कि अखनूर से इतने अंदर आके, लगभग अखनूर से 35 किलोमीटर अंदर जी, दुर्गम कठिन क्षेत्र और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है जी। और जहां हमारे हेल्थ कैंप्स लग रहे हैं जी, अभी तक हमने जो कैंप्स लगाए हैं पुंछ से लेके पाडर तक, यानी किश्तवाड़, भदरवा, डोडा के इंटीरियर एरिया में लगाए हैं, जहाँ पहुँचना भी मुश्किल है और जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं लोग, और हम वहाँ पर कैंप लगाते हैं जी। और वहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, जो रोगी आते हैं, उनको कहीं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है जी। और हमने कैंप जो है आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इरकॉन इंटरनेशनल के सहयोग से लगाए हैं जी। आज हम इस गांव में कठार में आए हुए हैं, अभी हमारा कैंप यहाँ प्रारंभ होने वाला है जी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में पेशेंट्स आए हुए हैं। हमारी योजना है कि स्वस्थ भारत और समर्थ भारत बनाने के लिए गांव-गांव तक हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं, रोगियों को देखभाल अच्छी तरह से हो सके, रोगियों से बचाव हो सके, एनीमिया कंट्रोल हो सके। तो इस योजना को हमने पूरे देश में लागू किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी योजना चल रही है और असम से गुजरात तक। आज पूरे देश में हमारे एकल अभियान के 82,000 गाँव में हमारा कार्य चल रहा है और हमारी अपेक्षा है कि हम 2020 तक 1,00,000 गांव में पहुंचेंगे और 1,00,000 गांव को शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ भारत की ओर हम जोड़ेंगे जी। डॉक्टर साहब, आप उन लोगों क्षेत्रों में पहुंचते हैं जहां सरकार नहीं पहुंच पाती है, दूरदराज के इन गांव में कौन से रोग अधिक रहते हैं? अधिकतर रोग यहाँ पर, एक तो सर्दी खांसी बहुत अधिक होता है क्योंकि ठंडे इलाके हैं, और दूसरा कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जैसे साफ़ सफाई का लोग ध्यान नहीं रखते हैं, एनीमिक हैं, खाने पीने को है लेकिन खान पान के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग हेल्थ टॉक देते हैं, गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर उनके बीच में स्वास्थ्य का विषय रखते हैं, स्वास्थ्य के विषय में जानकारी देते हैं। और डायरिया, मलेरिया, सबसे ज़्यादा खुजली होती है। खुजली का क्या, स्किन डिजीज है, वो एक दूसरे के कपड़े यूज करते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। तो हमारी इसमें योजना रहती है कि हम इनको इस तरह से समझाएं कि अपना साफ़ सफाई रखें और उसके द्वारा अपने को स्वस्थ रखें जी। डॉक्टर साहब, आप इतने दूर दराज के क्षेत्र में आते हैं, इसके लिए ये सेवा की प्रेरणा आपकी कौन सी प्रेरणा रही? बस मैं शुरू से बनवासी क्षेत्र में रहा हूँ, 12 साल मैंने झारखंड में काम किया, 8 साल आसाम में रहा जी। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे कठिन से कठिन क्षेत्रों में काम करने का सौभाग्य मिला, और पिछले 12 साल से मैं जम्मू कश्मीर में काम कर रहा हूँ, और जम्मू कश्मीर का कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मैंने जाके काम नहीं किया हो, चाहे वो शिक्षा का कार्य हो, स्वास्थ्य का कार्य हो या समाज सेवा का कार्य हो। और इसकी प्रेरणा ईश्वर ने दी है, तो ईश्वरीय प्रेरणा है जो मुझे और अग्रसर करती है, आगे बढ़ाती है, और उसी के अंतर्गत इस काम को मैं आगे ले जा रहा हूँ। ईश्वर जब तक कराएगा तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा। धन्यवाद।